लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की पत्रकार वार्ता, बोले अगले 5 वर्षों में जीडीपी को किया जाएगा दोगुना। उपराज्यपाल ने पत्रकार वार्ता कर वित्तीय वर्ष योजना और उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में जीडीपी को दोगुना किया जाएगा। डोगरी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एम जैक्सन कल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी द्वारा डोगर स्टार अवार्ड 2023 का किया जाएगा आयोजन। ग्रीवेंस को लेकर यंग बाइट्स की टीम पहुंची बोफोर्ट क्षेत्र, जहां सड़कों की हालत खस्ता, किया जा रहा लो क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल, प्रशासन को लेनी होगी सुध। चैत्र नवरात्र की अष्टमी के पावन दिन को लेकर श्रद्धालुओं ने सूर्यपुत्री तवी नदी में साग का किया विसर्जन, मांगी देश में सुख शांति की कामना। गृह मंत्री अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर में नीतियां व कानून व्यवस्था की स्थिति निवेश के अनुकूल। जम्मू संभाग में 31 को भारी बारिश, बर्फबारी की चेतावनी, श्रीनगर हाईवे प्रभावित होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में मौसम के साफ रहने की तपिश का एहसास पड़ा है, लेकिन आगामी दिनों में दोबारा मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 30 मार्च से 1 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। सरकार का दावा, देश का स्टार्टअप इको सिस्टम दुनिया में तीसरे स्थान पर, 300 से बढ़कर हुए 90,000। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 50 देशों में शामिल है और दुनिया के सबसे स्टार्टअप फ्रेंडली देशों में से एक है। संसद में तीसरे सप्ताह भी गतिरोध कायम, लोकसभा और राज्यसभा 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित। दोनों सदनों में बृहस्पतिवार को रामनवमी का अवकाश रहेगा, वहीं उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को विभिन्न दलों के नेताओं के बीच हुई आपसी सहमति के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दूसरे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में वास्तविक लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक आत्मा भी है। ये एक विश्वास पर आधारित है और हर इंसान की जरूरतें और आकांक्षाओं समान रूप से महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में ट्रैक्टर ट्रॉली से खुदाई मशीन ले जाते समय हुआ हादसा, कार सवार 3 लोग की मौत, 4 घायल। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 महिलाओं को अस्पताल ले जाते समय ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में 4 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी, टीएमसी सांसद कर रहे समर्थन। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार बंगाल की योजनाओं के लिए पैसे नहीं दे रही है।